बाढ़ थाना क्षेत्र के गुलाब बाग स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति के प्रांगण में आज बड़े पैमाने पर जब्त शराब की विनिष्टीकरण की गई। विनिष्टीकरण के वक्त बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार, बाढ़ एएसपी अंबरीश राहुल, बाढ़ सीओ शिवाजी सिंह और एक्साइज इंस्पेक्टर भी मौजूद रहे। विदित हो कि अनुमंडल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से छापेमारी के दौरान जो शराब बरामद की जाती है उसे एक निश्चित अवधि पर विनिष्ट करने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के अंतर्गत आज इसे विनिष्ट किया गया है। बाढ़ अनुमंडल अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि चुनाव के बाद आज 11 दिसंबर को 1569 लीटर विदेशी शराब, 150 बोतल बियर, 398 लीटर देसी शराब का विनिष्टीकरण किया गया है। ब्रजकिशोर पिंकू की रिपोर्ट। पेपर में पढ़िए, समझे, पढ़े तो सुबह में डर पैदा। हाँ, 10 तारीख से अभी तक में, ठीक है, शराब में कितना गिरफ्तारी हुआ है और एक सप्ताह के अंदर कितना गिरफ्तारी हुआ है, फटाफट नंबर जोड़ के बताइए। तो हमको 2 मिनट में बताइए। आज आप लोग को पता है कि आज जो तारीख है वो 11 दिसंबर है। 11 दिसंबर को चुनाव के बाद जो भी पुलिस के द्वारा शराब जब्त की गई थी उसको हम लोगों ने विनष्ट करने का कार्य किया है। विनष्टीकरण में जो विदेशी शराब है 1559 लीटर विदेशी है, 115 लीटर बियर है और 398 लीटर देसी शराब है, इसको विनष्ट किया गया है। और हमारे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं और एसपी साहब भी मौजूद है। सरकार की यह प्राथमिकता है कि मद्य निषेध जो कानून है उसको सख्ती से लागू करना है। और आप लोगों से भी हमारा अपील होगा कि आप भी आम जनता में इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवाइए कि अगर आप किसी भी तरह का मद्य सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं, तो आपके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से इसका प्रतिफल आप लोग देख रहे हैं। और कितनी अरेस्टिंग हुई है, कितनी उसके संदर्भ में किस थाना में कितना FIR दर्ज हुआ है, हमारे पास ASP साहब भी मौजूद हैं, राहुल सर से अभी आप लोग बात कर सकते हैं। तो मैं किस समय में कहना चाहूँगा कि बाढ़ पुलिस, बाढ़ मंडल पुलिस और पटना पुलिस जो है वो माननीय मुख्यमंत्री का जो ये विनष्टीकरण दारू शराबबंदी का जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी दायित्व से निभा रही है। हमारे यहाँ लगातार छापेमारी होते रहती है, लगातार जो अनियमित दारू है हम उसका विनष्टीकरण करते रहते हैं। विदेशी शराब और लोकल शराब जो भी मिलता है उसको हम जब्त करके FIR करते हैं, जिसका विनष्टीकरण अभी हो रहा है, आप देख रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहूँगा वो ये है कि बाढ़ अनुमंडल पुलिस ने पिछले महीने में इलेक्शन के बाद से लगभग 50 लोगों को गिरफ्तार किया है शराब के मामले में। और इवन पिछले वीक जो ये वीक बीत रहा है, जो आज शुक्रवार है, इस वीक में हमने 22 अरेस्टिंग की है और साथ में दारू भी काफ़ी जब्त किया है, जिसका जांच के लिए भेजा जा रहा है और जब जांच के बाद आदेश आ जाएगा तो उसका विनिष्टीकरण किया जाएगा। जी सर, थैंक यू।